सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। कलर का ये पैटर्न लेकर आई फ्रेंड्स, ये इसका राइट साइड है, ये इसका रॉन्ग साइड है। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में डाल सकते हैं, जेंट स्वेटर में इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं 8 मल्टीपल + 1 एडिशनल और 2 फंदे आपने एच फंदे लेने हैं। ये इसका राइट साइड है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, सेम ऐसा ही आपने ऊपर की साइड बनाना है। अब हम बनाएंगे फर्स्ट रो बनाएंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागे को हम घुमाएंगे। अब यहाँ से हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदे हमने यहाँ से सीधे बनाए। धागे को घुमाएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागे को घुमाएंगे। अब यहाँ से 7 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे ऐसे ही रिपीट करेंगे। धागे को घुमाएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागे को घुमाएंगे, 1 फंदा। अब यहाँ से ये जो हमने धागा घुमाया है दूसरी बार, ये देखिए इस तरीके से धागा घुमाया। अब ये वाले फंदे से हम 7 फंदे करेंगे, ये देखिए 1 फंदा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदे बनाए। फिर धागे को घुमाएंगे सीधा, धागे को घुमाएंगे सीधा। अब यहाँ से जो है हम 7 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर भी हमने 2 फंदों के बाद धागा घुमाया था, अब यहाँ पर भी हमारे 2 फंदे आएंगे और इसको यहाँ पर इसी तरीके से धागा घुमाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब बनाएंगे हम सेकंड रो, रॉन्ग साइड से सेकंड रो बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। ये जो धागा हमने घुमाया था, इस फंदे को हम इस तरीके से लेंगे और उल्टा बनाएंगे। सभी फंदे उल्टे बनेंगे, जो धागा हमने घुमाकर बनाया है उन फंदों को हमने पीछे की साइड से इस तरीके से लेना है, ये देखिए ये ऐसे लेना है। बाकी सभी फंदे ये उल्टे बनेंगे, ये भी और ये भी, ये देखिए इस तरीके से। बस ये जो घुमाया हुआ फंदा वो इस तरीके से लेना आपने। इसको इसी तरीके से पूरा करते हुए कंप्लीट कर लेंगे हम सेकंड रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे थर्ड रो राइट साइड से, 1, 2 और ये वाला फंदा भी हमने सीधा बनाना है। 3 फंदे हमने अब सीधे बनाने, धागे को घुमाएंगे। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदे हमने इसमें सीधे बनाए। धागे को हम घुमाएंगे, फिर बीच वाले फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3। अब हम धागे को घुमाएंगे, फिर फंदा सीधा बनाएंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर धागे को घुमाएंगे, जाली से पहले आपने धागे को घुमाना है, फिर बीच के फंदे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 फंदे बनाए। अब यहाँ पर हम धागे को घुमाएंगे, फिर अब ऐसे ही 7 फंदे बनाएंगे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदे हो गए हमारे। ये जाली आ गई, फिर इसको घुमाएंगे, सीधा बनाएंगे, 1, 2 और 3 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए। फिर धागे को घुमाएंगे और फिर 7 फंदे सीधे बनाएंगे। थर्ड रो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट हो। ये देखिए अब बनाएंगे फोर्थ रो रॉन्ग साइड से, ये सेम ऐसे ही बनेगी जैसे हमने पहले बनाई थी, उल्टी सिलाई उल्टी ही बनेगी। बस ये वाला जो फंदा जो धागा घुमाया, इस फंदे को हमने ऐसे लेना है। ये देखिए ये हमारे 7 फंदे हैं, हम इनको बनाएंगे उल्टा। ये देखिए ये जो फंदा है
जो हमने लपेटा था ये वाला फंदा, इस फंदे को हमने बस ऐसे बनाना है, ये देखिए ऐसे धागे को निकालेंगे और ये उल्टा बनाएंगे। इस रो को इसी तरीके से बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे फिफ्थ रो। ये देखिए यहाँ से अब चेंज है, एक दो तीन चार फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा, इसको यहाँ पर हमने चार फंदे सीधे बनाए। अब धागे को हम अपनी साइड करेंगे और फिर दोबारा हम इस तरीके से घुमाएंगे धागे को। अब यहाँ पर दो बार धागे को घुमाएंगे, एक बार बनाया, दो तीन चार पाँच छः और सात फंदों पर हमने दो बार धागा लपेटते हुए इसे हमने पूरा किया। धागे को हम पीछे करेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे। अब सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच फंदे हमने सीधे बनाए। अब धागे को हमने इस तरीके से घुमाना, आगे लेकर आएंगे, फिर दोबारा फिर इस तरीके से घुमाएंगे, क्योंकि ये फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, सात फंदे। तो ये देखिए हमारा धागा पीछे, पहले हम इसको आगे की तरफ लाएंगे और फिर एक बार ऐसे घुमाएंगे। अब यहाँ पर हम इस फंदे से सात फंदे पर दो बार धागा घुमाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात फंदों पर हमने धागा घुमाया। ये देखिए अब ये जाली वाला फंदा आ गया, धागे को हम पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे। ये वाले जो फंदे बीच के हमारे सीधे बनेंगे, तो इस वाले फंदे को बनाने के लिए हम धागा, ये देखिए हमारा आगे की तरफ धागा, इसको पीछे लाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब ये हमारे सीधे फंदे बनेंगे, ये देखिए एक, ये देखिए ये फंदे हमारे सीधे बनाए। अब ये जाली वाला, अब इसको धागे को हम आगे करेंगे और इसको हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। अब ये हमारे सात फंदों पर दो बार धागा लपटेगा, तो ये धागे को हमने आगे की तरफ लेकर आना है। ये देखिए ऐसे लेंगे, फिर इसको दोबारा दो बार घुमाएंगे धागे को, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। फिफ्थ रो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। देखिए फिफ्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से। उल्टा बनाएंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे। ये वाला फंदा हर बार ऐसे ही बनेगा, जो धागा हमने घुमाया था ये देखिए। अब ये वाले जो फंदे हैं, जिस पर हमने छः फंदे सात फंदों पर धागा घुमाया था दो बार, ये देखिए इसको हम इस तरीके से खोलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात फंदे हो गए। अब इसको लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे सभी फंदे हम, और इनको हम उल्टा बनाएंगे, ये देखिए। और अब इन सभी फंदों को हम निकाल देंगे, फिर ऐसे ही उल्टा बनाएंगे, ये देखिए इसको उल्टा बनाएंगे। अब हमारे फिर सात फंदे आ गए हैं, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे। अब इसको लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे ये सभी फंदे, और इनको उल्टा बनाएंगे और इन फंदों को एक बना देंगे, इनको अब निकाल देंगे। इस फंदे को हमने ऐसे लेना है, जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाना है, और जो एक फंदा हमने घुमाकर बनाया था उस फंदे को हमने इस तरीके से लेना है। बस ये आपने ध्यान देना है, और बाकी सभी फंदे, सात फंदे हम खोलेंगे, ये देखिए। अब इनको लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे और इनको हम दो सबका एक बना देंगे और इसको निकाल देंगे। ये देखिए ये वाली हमारी फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो जो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट हो। देखिए फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, सिक्स्थ रो तक हमारा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। ये देखिए फर्स्ट रो कैसे बनाई थी, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागे को हमने घुमाया था, अब यहाँ से सात फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः
और सात फंदे हमने इसमें सीधे बनाए। फिर धागे को घुमाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को घुमाएंगे और इस फंदे से फिर सात फंदे हम फिर रिपीट करेंगे। देखिए एक दो तीन, जब हम बनाएंगे तो हमारा ये डिज़ाइन आएगा, तो यहाँ पर हमारा ये चौथा फंदा आना चाहिए, ये फोर, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा चार फंदे हो गए, फिर यहाँ पर ये पाँच छः और सात फंदे हो गए। धागे को घुमाएंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे, फिर धागे को घुमाएंगे, यहाँ से फिर रिपीट होगा, सात फंदे एक दो तीन, ये देखिए चार फंदा, चौथा फंदा हमारा इधर आया, ये देखिए इस पर, तो ये आपने ध्यान रखना, तो आपका डिज़ाइन जो है वो पूरा सेट होता चला जाएगा। ये देखिए चार हो गए हमारे, ये अब ये पाँच छः और सात फंदे हो गए। फिर धागे को घुमाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागे को घुमाएंगे, यहाँ से हमने फिर छः फंदे बनाने हैं। ऐसे ही रिपीट करते हुए आप डिज़ाइन को बनाते चले जाएंगे, ये हमारी फर्स्ट रो ऐसे ही कंप्लीट होगी। ये देखिए और आपका डिज़ाइन जो है सिक्स्थ रो तक ये आपका डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है और फ्रेंड्स देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए